दोस्तों हमारे पास आज मौजूद है अशोक लेलैंड की दोस्त प्लस 1500 केजी वाली ये पिकअप है। जनरली अपने को रोड्स पे नहीं दिखती, आज हमारे को मौका लगा है। गाड़ी के मालिक भी हमारे साथ में, जानते हैं इनसे क्या कुछ खास है इस गाड़ी के अंदर। सतबीर जी कैसे हो आप? अच्छा हूँ जी। कितनी पुरानी गाड़ी है? एक साल पुरानी है। कब ली थी आपने? पिछली दीपावली। पिछले साल दीपावली को, तो लगभग 13-14 महीने हो गए हैं। हाँ जी। कितना किलोमीटर चला चुका है इस गाड़ी को? ये चला दी 20,000 किलोमीटर। 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा है जी। अच्छा, गाड़ी की दो खासियत बताओ। गाड़ी की खासियत जी, एवरेज में बढ़िया है। कितना एवरेज देती है ये? कच्चे में देती है 16.5-17 की। अच्छा, डीजल में? डीजल में। हाँ हाँ। और रोड पे अकेली चलती है ना, 32-32 क्विंटल वजन डाल के। हाँ। 19 की 18.5 की एवरेज देती है। 30-32 क्विंटल का मतलब है 3.75 टन का माल। हाँ दोस्तों, 3.75 टन माल के साथ में हाईवे पर अगर आप चलाते हैं, ये कस्टमर खुद बोल रहे हैं कि लगभग इनको 18.5-19 का एवरेज मिलता है, और व्हेन इट इज़ अ मिक्स ऑफ रोड एंड ऑफ रोड तो लगभग 16-16.5-17 के एवरेज। वेरी गुड। 30-32 क्विंटल माल ये गाड़ी उठा लेती है? उठा लेती है, क्योंकि उस चीज़ के लिए तो हम सिर्फ एक ही पिकअप को जानते हैं कि ओवरलोडिंग में वो बादशाह है। ये उठा लेती है? उठा लेती है। जो कि इसमें इंजन भी 3 सिलेंडर का लगा हुआ है। फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे चलती है, एक गियर और डालो इसमें। गाड़ी की पिकअप कैसी है? एक नंबर की है। अरे, ओवरऑल इसकी कुछ कमी, दो खूबियां तो आपने बता दी। कमी इसमें बस कच्चे में थोड़ी सी वजन नहीं डलेगा उसके लिए है बस, और कोई कमी नहीं है। कच्चे में लोड नहीं लेती या कच्चे में बिना वजन के चलती नहीं है? चलती नहीं है बिना वजन के, पीछे से सेल्फ मारने लग जाती है। मारने लग जाती है। तो अगर पीछे थोड़ा सा माल डाल दो तो कच्चे के लिए परफेक्ट है? हाँ जी। इसमें 4-5 क्विंटल वजन डाल दो, फिर कच्चे में कहीं भी चढ़ा लो, बेबी पे चढ़ा लो, चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अंदर से कैसी है गाड़ी, कंफर्ट के तौर पे? एक नंबर है। अंदर देखो आप। हाँ। पहले कोई पिकअप आपने इससे पहले रखी है? हाँ। दोस्त प्लस से पहले पिकअप रखी थी मैंने। रखी थी, कितने साल चलाई पिकअप? चलाई 1.5-2 साल। वो उसमें ज्यादा खुश थे, इसमें ज्यादा खुश हो? इसमें ज्यादा खुश हूँ। कारण क्या है? कारण इसमें नई गाड़ी सब कुछ पावर में है। हाँ। और पिकअप मेरे पास शादी थी। पावर मतलब पावर स्टीयरिंग? पावर स्टीयरिंग। ओके। सब कुछ पावर में है इसका। हाँ हाँ। और कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में चलने में, कोई इसका खर्चा नहीं है, डीजल का भी खर्चा नहीं है, बहुत कम से। और डीजल के लिए हमने ये गाड़ी खरीदी थी। किस किस चीज़ में चलाते हो जिसको? इसको हम चलाते हैं कोई लोडिंग या किसी का भी आ जाए कुछ बुकिंग लेने के लिए। हाँ हाँ। और अपना टेंट का फिक्स धंधा है। टेंट का फिक्स काम है आपका? हाँ। यहाँ से हम देख रहे हैं आप पाइप भी लोड कर रहे थे अभी। हाँ। उसके अलावा अनाज वगैरह में चलाते हो? अनाज वगैरह में नहीं चलाई है अभी। नहीं चलाई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? दोस्त प्लस से रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरी हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली गाड़ी कौन सा देखना पसंद करेंगे हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। TrucksBuses.com पे बने रहिए, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।